भाई ये आ गए हेरा फेरी रूम में, इतने सारे इल्यूजन किधर किधर किधर। अरे भाई सोएगा दिस ऋषि के फरमान। तो हम आज आए हैं पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका थेरुका बोट क्लब। तो क्या है, 10 रुपये टिकट है एक पर्सन का। तुम्हारे पास पैसे थे नहीं कैश, तो कैश लेने के लिए हमने पहले दुकान वाले से ये ख़रीदा, उसने हमको ब्लैकमेल किया, पहले 60 रुपये का ये खरीदो फिर वो 100 रुपये देगा। तो उसको 60 रुपये हमने 160 रुपये हमने फ़ोनपे किया, फिर जाके उसने पैसे दिया। तो अब अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या है अंदर। तो भाई टिकट ले लिया है, 20 रुपये टिकट है दो लोगों का। हम अंदर आ गए देखते। भाई बच्चों की ट्रेन है, हम भी बैठते हैं इसमें। आओ इधर राज भाव, बैठे इधर फोटो लेंगे। तो बोटिंग करनी होगी। हाँ पूरा बांस का एक लाइन से बांस बांस आ गया। पार्क ही है, बच्चों का ही पार्क है। बाकी पेड़ देखो कैसे डिजाइन डिजाइन से। भाई पार्क में कुछ था नहीं, तो यहाँ साइंस पर आ गए पिंपरी चिंचवाड़ विज्ञान केंद्र में, दिखाता हूँ आपको। टिकट भी ले लिया। तो ये म्यूजियम टाइप का है जो आपको दिख रहा होगा। आगे हमने टिकट ले ली है, 50 रुपीज़ टिकट है 1 पर्सन का साइंस में, और बाकी सब एरोप्लेन। अभी चलेंगे अंदर देखते हैं। एरोप्लेन मेरे पीछे और ये पीछे अपना म्यूजियम, चलेंगे अंदर। रॉकेट था ये, अंदर से खोखला शो के लिए बस बनाया हुआ है। अच्छा है फिर भी एरोप्लेन। तो ये एयरफोर्स का कुछ है और यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दिया इसका, MiG-23 कोवा। अंदर एंटर कर गए, ये आपको दिख रहा होगा स्पीड। तो यहाँ लिखा है कि इसी स्पीड से जो पृथ्वी है वो अर्थ अपनी घूमती है। प्लीज़ रोटेट स्लोली, घूमने वाला है कुछ है। न्यूटन क्रेडल, हाँ ये एक्सपेरिमेंट है। जितने बॉल आप पकड़ोगे उतने बॉल वो लेके जाएगा राइट में। ये तो पढ़ो। और ये है नैनो, नैनो की इंजीनियरिंग, 2 सिलेंडर। ये इंडिया का बेस्ट इन्वेंशन था, बंद क्यों हो गया मेरे को समझ में नहीं। बेस्ट इन्वेंशन नहीं, ये DNA। डांसिंग डॉल, ये गिरेगा नहीं कभी। क्यों? इंडियन इसरो, इंडियन प्राउड। पूरी जनरेशन बताइए कि पहले कैसे लकड़ी लेके जाते थे, वो फिर उस लकड़ी से उन्होंने एक टायर बनाया, फिर उसको रोलिंग करवाया, फिर बाद में दिमाग आया था। हीरोज इंजन ठीक है, स्टीम पावर। हाँ इंजन का जो रहती व्हील कैसे काम करती है, मोशन लीनियर सर्कुलर मोशन। ये महिंद्रा डूरो, बाकी है स्टीम पावर इन यूज। फर्स्ट स्टीम इंजन, फर्स्ट कार, यही तो क्या भाई, कार है तो साइकिल है, बस मोटर से चलती होगी इसलिए कार नाम रख दिया है। हाँ इधर हिस्ट्री दिखाई है, यही वाली है, यही वाली। और अब देखो ये, पहले दरवाजे नहीं थे और अब दरवाजे ही है तो खुलते गए। इवोल्यूशन टाइमलाइन, पूरा टाइमलाइन है, हिस्ट्री है, देन यहाँ लास्ट वाला देखो। रोल्स रॉयस बिकम प्योर BMW एंड बेंटली बिकम प्योर वोक्सवैगन। इनके इंजन गाड़ियों के सिलेंडर सब क्राफ्ट, 2 सिलेंडर इंजन, नैनो, टाटा मोटर, ये मोटरसाइकिल, बजाज।
सिंगल सिलेंडर रिक्शा ऐसे ऐसे देने, महिंद्रा सिक्स सिलेंडर ये पढ़ा था मैंने इंजीनियरिंग में। देन कोर्टेसी टाटा मोटर भाई, गाड़ियाँ मेन यही है, इसके ऊपर वो प्लास्टिक वास्टिक का फ्रंट एंड यूज कर लेते हैं, ये बैक एंड गाड़ी का, वाइपर, स्टीयरिंग, चार्जिंग, रेडिएटर, वायरिंग सब, मिरर। देखिए आपको दिख रहा है ये टाटा मोटर का ट्रक का इंजीनियरिंग, सिर्फ यही है, बाकी ये है आपकी गाड़ी तैयार है। अब इसके ऊपर प्लास्टिक वास्टिक लगा लेंगे और आपसे 20-25 लाख रुपए लेंगे। बाकी क्या है, फ्यूल सिस्टम, स्पार्क प्लग है, वो गाड़ियों का स्पार्क प्लग है, बाइक में इतना सा होता है 2 इंच का, उसकी भी अलग इंजीनियरिंग है। फ्यूल टैंक एंड टायर, ये टायर को कट करके रखा हुआ है, जो टायर है वॉल्यूम देखो, इसके अंदर हवा रहता है बाकी कुछ नहीं। ये ट्यूब, फैन, ये भी टाटा मोटर भाई, ये अच्छा काम है कि सब इंडिया का ये टाटा मोटर। ये गियर, गियर टेक ऑफ, ट्रांसमिशन विथ पावर, टाटा मोटर, ये स्टीयरिंग, स्टीयरिंग यहाँ पर ये जुड़ा होता है ना। हाँ, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, मैं महिंद्रा पिकअप, ये है मिलोमीटर की इंजीनियरिंग जो अपने गाड़ियों में रहती है, तो अब तो डिजिटल हो गया है पूरा। तो ये कुछ रूल है ट्रैफिक क्यूज के, तो ये टाइम रिएक्शन टाइम है। तो यहाँ पे क्या है, 2 बटन दिया है, स्टार्ट और स्टॉप। तो इसमें ये दिखाया कि कितने साउंड आने के बाद आप रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया तो कितने जल्दी आप रिएक्ट करते हैं, तो ये नॉइस पोल्यूशन का हो भाई। सेम इधर लाइट का दिया हुआ लाल है, कार टाटा सफारी जीएक्स, सफारी जीएक्स और आरिया टाटा, ये तो बंद हो गई है, बंद। ये सोलर कार है, मतलब जब इलेक्ट्रिक सूरज की रोशनी पड़ेगी तभी चलेगा ये। ये देखो जब जब इस पर लाइट जल रही है तभी ये चल रहा है सोलर। अब हम अर्थ के जोन में आ गए हैं, तो यहाँ देखो सूरज की रोशनी पड़ती है तो इतना एरिया लाइट में रहता है और इतना एरिया अंधेरे में। तो ये मून का है कि हमको मून एक ही साइड से क्यों दिखता है, क्योंकि वो भी घूमता है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में। और ये है लेंस जो हमने पढ़ा था स्कूल में, यहाँ आके ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ लाइट दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक लेंस है, तो इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो ये कैसे डाइवर्ट हो रहा है ये। और यहाँ एक दूसरा है, तो इसका ये रिफ्लेक्ट का है, तो यहाँ देखो रिवर्स बैक हो गया, कन्वेक्स कॉनकेव लेंस। देन ये इंजीनियरिंग में पढ़ा था हमने या फिर स्कूल में भी पढ़ा था, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ है जब लाइट 45 डिग्री से क्रिटिकल एंगल से आ जाती है तो TIR हो जाती है, तो ये देखो रिफ्लेक्ट हो गई, ये मेरे शर्ट पे आ रही है, यही है TIR। ओम्स लॉ, तो ये है देन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर है, देखिए आपको लाइट दिख रहा होगा बीच में, फ्रिक्शन कर देंगे। देन ये इंडक्शन L, लाइट सोलेनॉइड से बनता है ना, पैरेलल सर्किट। एक ये है और ये, अब जैसे एक बटन दबाया पैरेलल में है, अब ये बटन दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, दबा, हाँ ये पैरेलल में है, दोनों दबाने पड़ेंगे तभी होगा पैरेलल सर्किट। और ये है सीरीज, कोई एक बटन दबाओ तो भी चालू हो जाएगा ये, अब वो दबाएंगे तो भी देखो नहीं, अच्छा वो ऑन ऑफ करने का। ये है पैरेलल सर्किट, ट्रेपोजॉइडल विंडो, ये सब नहीं सिविल वालों का है। तो ये एरिया ऑफ सर्कल, ये बताया कि कितना एरिया होता है सर्कल का, अगर जैसे ये सेम कुछ होगा साइज वही रेक्टेंगल का, तो एरिया का कितना होगा, जैसे ये हमने कर दिया एरिया ऑफ सर्कल। देन ये भी पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस है
परपेंडिकुलर है या बेस है? देन क्रॉस सेक्शन ऑफ कोन, सी और पुपिल आँख का है अपना देखने का। तो ये हार्ट बीट देखने का है स्टेटोस्कोप है। अभी हम चेक करेंगे तो यहाँ से आवाज़ आएगी। सो हाँ, तो ये आवाज़ आ रही है। तो ये मेरे हार्ट का आवाज़ था। देन हम आ गए हैं सोलर जोन में, सन लाइट। ये जागृति नक्शा, वर्ल्ड सोलर मैप। न्यूक्लियर एनर्जी, क्या है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। टूटा हुआ है रस्सी, ये रस्सी टूटी हुई है इधर। यांत्रिक ऊर्जा, लीनियर सर्कुलर मोशन, वो ट्रेन वाला जो नीचे देखा हमने। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग साउंड। तो ये इंफ्रारेड चेक करने के लिए, गर्म हो गया भाई। एनर्जी इन विजिबल लाइट। तो ये पूरा काइनेटिक एनर्जी का रूम सेटअप। भाई मैंने पढ़ा था एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ मैं देख भी ले रहा हूँ। तो ये है, अगर मैं इसको लीवर को घुमा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है और यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है साउंड एनर्जी। ये वॉइस वर्सा है। तो ये वॉर्टेक्स शेप है जो हम स्कूल में बहुत करते थे, तो इस टाइप का कुछ वॉल्केनो टाइप का बनता है। ग्रेविटी को चैलेंज कर रहा है, देखो हाइट देखो, ये ऊंचे पे है फिर भी ऊंचे पे ये खड़ा है। अब ये देखो मैं इसको लेके जाता हूँ नीचे पे, फिर भी ये अपने आप आ जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल मिक्सचर है, इसको घुमाएंगे तो भी ये घुलेगा नहीं बोल रहे। हाँ होता है, अब तेल पानी कहाँ मिक्स होता है। क्या क्या है? तो भाई ये फ्लोटिंग बॉल है, और यहाँ पे जैसे ही पैर रखूँगा ना हवा में उड़ने लग जाएगा वो, हवा ऐसा, लेकिन गिरेगा नहीं बाहर। गैप इंजीनियरिंग। तो ये वैनिश मिरर, यहाँ मैं दिख रहा हूँ आप देखिएगा जीरो, अब मैं यहाँ दिख रहा हूँ। भाई ये आ गए हेरा फेरी रूम में, इतने सारे इल्यूजन। किधर किधर किधर, अरे भाई हेरा फेरी रूम है, इधर निकलना किधर से है, अरे भाई किधर से निकलना है राजभाव, निकलना किधर से, गेट किधर से है, पता नहीं है क्या करें। अरे भाई करो, तो अपना पहले खेत तैयार कर लेते हैं फिर जोतना चालू करेंगे। ये हो गया प्लेन, अब पैटर्न चालू। कुछ नहीं है पैटर्न बनाने का है। तो ये मिरर देखो, इधर दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा है, मुझे समझ गया हूँ, इधर पेंट नहीं है इधर पेंट है। भाई ये फन मिरर, ये देखो इसमें कितना छोटा सा दिख रहा है। और यहाँ, अरे वाह, और ये तो लंबा कर दिया मेरे को पहले से इतना। और ये क्या है फन मिरर है। तो इसमें तीन दिख रहा हूँ, ये देखो
क्या है कि लाइट इज विजिबल है। ये क्या है, सी और पुपिल। तो ये मैग्नेटिक वाला है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाइन जेसी बोस, होमी जहांगीर भाभा, सी वी रमन, बीरबल सानी, वी ए सारा भाई, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस एंड श्रीनिवास रामानुजन। यह डायनासोर साइंस पार्क में ही है। ये है प्लेटेसोरस, ये छोटे वाले। ग्लोब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले सी, हैव अ गुड डे।